जम्मू जो है, यहाँ पर था, इन लोगों के साथ में बातचीत की गई है। इनके दो इश्यूज थे, एक तो इनका जो तरना ब्रिज है जिसके लिए था, दूसरा टोल के रिगार्डिंग। तरना ब्रिज के रिगार्डिंग जो NHAI के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव थे, PD साहब ने बताया है विद इन 4-5 डेज वो कम्प्लीट कर लेंगे। मतलब उसका जो कॉजवे बनाया जा रहा है जिससे उसके ऊपर ट्रैफिक चलाया जाएगा, दूसरा रोड की कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, दूसरा टोल प्लाजा का इश्यू है वो गवर्नमेंट प्रोएक्टिवली उनके साथ फॉलो कर रही है और इनके विश्वास के लिए किया गया कि आपके दो रिप्रेजेंटेटिव होंगे तो उनको भी NHAI के साथ में उनके साथ में कंसल्ट करवाया जाएगा जिससे कि आप अपनी रिवान रख पाएँ। और गवर्नमेंट इसके साथ में प्रोएक्टिवली इसके साथ में कर रही है, NHAI की टीम विजिट करके गई है, तो होपफुली पॉजिटिव नोट पे हो। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सीनियर ऑफिसर हैं वो भी सब आए हुए थे, उसमें डिवकाम साहब खुद आए, पहले ADC साहब आए हुए थे, SP साहब थे, उसके बाद डिवकाम साहब खुद आए, उन्होंने दिल्ली भी बात की और उन्होंने 5 तारीख तक का टाइम लिया कि पहले जो करनी नाला वाला ब्रिज है वो 5 तारीख तक अल्टरनेटिव ब्रिज जो है वो तैयार हो जाएगा और उसके बाद हमारे उन्होंने विद इन 2 डेज बोला है कि हमारी एक कमेटी जो है कोऑर्डिनेशन कमेटी की टीम जो है वो दिल्ली नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो सीनियर उनके साथ हमारी विद इन 2 या 3 डेज में हमारी मीटिंग होगी, मगर उन्होंने लास्ट टाइम जो लिया 5 तारीख तक का टाइम लिया है। हम एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, जब भी टेबल टॉक में ही बात हुई है वहां में, मगर आज कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट को रोड में आना पड़ा क्योंकि ट्रांसपोर्ट आवाम के लिए है, ट्रांसपोर्ट अपनी प्रॉब्लम्स को देखने के लिए है। आप सब भी ट्रांसपोर्टर हैं क्योंकि टोल आप सबका भी लग रहा है, खाली हमारा ही नहीं, आप सबका भी लग रहा है, आप सब भी ट्रांसपोर्टर हैं। तो मैं सबसे पहले मीडिया वालों का सबका धन्यवाद करूंगा जो इतनी गर्मी इतनी धूप होने के बावजूद भी जो हमारे साथ रोड में। पहले जो हमने एक समय दिया था कि हम 8 दिन का समय दे रहे हैं, 8 दिन के बाद हमारा चक्का जाम होगा और आज आपने देखा होगा जो हमारी ट्रांसपोर्ट का ये आज ट्रेलर था, ये चक्का जाम का ट्रेलर था क्योंकि मैंने उस दिन बोला था कि JKUT में चक्का जाम होगा तो उसी के 4 दिन पहले हमारी ही हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुई, सब ने हमें राय और एक रिक्वेस्ट की कि पहले हम सब एकजुट हों, जम्मू में इकट्ठे हों, जम्मू इकट्ठे होके एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे हों। आज आपने देखा हम सब संस्थाएं एक प्लेटफॉर्म में इकट्ठे थे। आज जो हमारा वार्ता का दौर चला है हम सब सेटिस्फाइड हैं क्योंकि प्रशासन ने भी देखा है कि जम्मू एकजुट है और ये हमारी लड़ाई जो है जिनको जम्मू प्रशासन ने नहीं दी, जम्मू प्रशासन जो है वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन के वो दिल्ली तक हमारी बात पहुँचा रहा है और आज हम जो है ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी के ऑफिस में आए थे कि रोड का मसला हल नहीं होगा तो आज आपने ट्रांसपोर्ट का ट्रेलर देख लिया है, 5 दिन के बाद ट्रांसपोर्ट आपको पूरी फिल्म दिखाई। सवाल आपसे ये है, सवाल आपसे ये है कि NHAI की टीम जब यहाँ पहुंची थी वो आंकलन करके चली गई है, फिर आप लोग यहाँ से क्या दिखाने जाएंगे क्योंकि वो लोग खुद देख के गए अपनी आंखों से। देखिए आज जो हुआ है डिवकाम साहब ने बोला की आपने जो आज यहाँ प्रोटेस्ट किया है इसकी आवाज कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली तक पहुंची है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली ने अभी इंस्टेंट एक मीटिंग बिठाई है, हो सकता है सुबह तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए क्योंकि डिवकाम साहब के पास ऑलरेडी मैसेज आ चुका है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना 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 देखिए वो होगा तो मैंने पहले बोला कि ट्रांसपोर्ट के पास चक्का है, ट्रांसपोर्ट के पास चक्का है, आज चक्के ने अपना दमखम दिखाया है, आज अपनी पावर दिखाई है। अभी भी आप मीडिया हैं, आपका बहुत अच्छा सोर्स है, आप दिल्ली चैनल लगा के देख लिए इस वक्त मीटिंग चल रही है। हाँ फिलहाल जो उन्होंने टाइम मांगा है कल बिल्कुल गाड़ियाँ चलेंगी। किसी ने ये नहीं कहा कि ये सियासी मुद्दा है क्योंकि ये नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मसला है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी से ही हमारी बात हुई थी और हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो डिवकाम साहब हैं क्योंकि हमने पहले भी जो रिप्रेजेंटेशन दी थी डिवकाम साहब के बाया डिवकाम साहब के ही हमने दिल्ली पहुंचाई थी तो आज डिवकाम साहब आए और उन्होंने हमें ये भी बोला है कि आपका जो ये चक्का जाम का असर था ये दिल्ली में अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी में दिखाई दे रहा है। इस वक्त आज का चक्का जाम जम्मू का असर नेशनल हाईवे अथॉरिटी दिल्ली में दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी उनका कहना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो टीम वो वहाँ में सीनियर हैं वो इस वक्त भी मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि ट्रांसपोर्ट के पास चक्का है, चक्का जाम का आज आपने असर देख लिया तो हम सब अपने प्रधान क्योंकि मोटा मोटी सारे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं प्रधान हैं सब अंदर बैठे थे, सब आश्वस्त हुए, उसके बाद ही हम अपना चक्का जाम जो है खोल रहे हैं और हमारी जो अभी नेक्स्ट जो भी अपडेट होगी हम आप तक अपडेट